हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरे रेसिपी में। आज हम बच्चे रोटी का बहुत हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। बनाना भी बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास चार रोटी बच गई थी। यहाँ दो मीडियम साइज़ का प्याज काट लिए हैं। प्याज को बारीक काट लेंगे। वे एक बर्तन में रख के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें एक टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाला, एक टीस्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे ऑनियन को, प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। अब हो गया, अब आलू का एक बना लेंगे। दो मीडियम साइज़ का उबली आलू ले लिए हैं। आलू उबाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। बारीक कटा दो हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। एक टमाटर बारीक काट के डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भरता जैसा बिल्कुल बना लेंगे, अच्छा सा भरते जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट बना लेंगे। इसमें चटनी डालने हैं, आपको जो चटनी का टेस्ट पसंद हो डाल सकते हैं। बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहाँ दो चम्मच ग्रीन चटनी ले लिए हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे तो टमाटो कैचअप ले सकते हैं। यहाँ आज हम अपने लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसमें ग्रीन चिली का यूज़ किए हैं, ग्रीन चिली सॉस का यूज किए हैं। अब इसमें सबसे पहले आलू का फल लगा देंगे। आलू को अच्छे से एक साइड में लगा देंगे। अब इसके ऊपर प्याज लगा देंगे। प्याज को अच्छे से लगा के फोल्ड कर देंगे। ऐसे बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बनाना बिल्कुल आसान है। सेम प्रोसेस से और बना लेंगे। आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें ग्रीन चटनी का यूज नहीं करें, टमाटो केचप का यूज कर लें। आप बच्चे रोटी से भी इसे बना सकते हैं, बच्चों के लंच में भी बना सकते हैं। यहाँ दो चम्मच घी बनाने के लिए ले लिए हैं। घी से बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा घी से अगर आप बनाएंगे। आप तेल से भी बना सकते हैं। तवा गर्म हो गया, एक बार अच्छे से इस पर घी लगा लेंगे। अब रोटी रख देंगे इस पर अच्छे से पकने के लिए। बच्ची रोटी का इस तरह का नाश्ता बहुत टेस्टी लगता खाने में। अब एक साइड अच्छे से हो गया है, अब दूसरी साइड में पलट देंगे। थोड़ा सा घी लगा देंगे दूसरी साइड में। बिल्कुल कुरकुरा एकदम सैंडविच जैसे बनके तैयार हो गया। आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से और बना लेंगे जो बचा है रोटी। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़। ऐसे सेम प्रोसेस से बना लेंगे। बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बनके सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको कट करके दिखा रहे हैं आपको कितना अच्छा बना है। आप मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे, अंदर का भी सब प्याज अच्छे से पक जाएगा। आलू का स्टफिंग तो अच्छे से पका हुआ है। बनके कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।